जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी है और उसी के साथ साथ ना सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और देशवासी हैं, जो उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि ये एक सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार हमने देखा कि राहुल गांधी जी संघर्ष पे संघर्ष करते आ रहे हैं और उन्होंने एक ही जो स्लोगन दिया हुआ है कि डरो मत, क्योंकि ये एक डराने का प्रयास किया जा रहा है, किसी को ईडी के माध्यम से, किसी को किसी के माध्यम से, लेकिन राहुल जी हर कदम पे संघर्ष कर रहे हैं। उसी संघर्ष के दौरान उनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द कर दी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है उनसे उनके ऊपर जो झूठे आरोप थे उन्होंने कहा मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे सत्य पे लड़ रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं सारे कार्यकर्ताओं को और सभी को यही बधाई देता हूँ कि ये एक सत्य की जीत हुई है, ये राहुल गांधी जी की जीत नहीं, ये सत्य की जीत है। यह ही बात कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राहुल गांधी पर जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, तो मैं यही कांग्रेस से मुझे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं से और बीजेपी वालों से, कि हिंदुस्तान के अंदर वो कांग्रेस, वो महान हस्तियाँ जो राहुल गांधी की दादी, उनके पिताजी, उनके नाना जी ने इस देश के लिए शहादतें दी हैं, और उनके बेटे पर जिसने पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसान लोगों को, मजदूर लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको पूरे हिंदुस्तान में उसने जगा दिया। लेकिन ये बीजेपी वालों को ये बात को बात नहीं, और उन पर झूठे केस बनाकर उनको उनके